मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पहले करना है ना। यस सर। हाँ ठीक है, इससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये ऑलरेडी बोला हूँ मैं, आप जिस तरह से मैं बताया उसी तरह से बोल रहे हैं। यहाँ पर एक बी फॉर ब्रैकेट बोल के एक है, तो फर्स्ट पहले ब्रैकेट सॉल्व करना सर। हाँ ब्रैकेट में जो भी है पहले ब्रैकेट को हटा लेना, ब्रैकेट सॉल्व करना, प्लस रन दे, माइनस रन दे, इनटू रन दे, डिवाइड रन दे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना उसको। ठीक है? ठीक है सर। हाँ ओके, मैं पहले ब्रैकेट में का सॉल्व कर, तो जो भी सॉल्व करना क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करो चाहो, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे, उसको पहले सॉल्व करने के बाद जब ये सॉल्व होकर दो फ्रैक्शन जाकर एक फ्रैक्शन बनता है तो ब्रैकेट निकल जाती है इसके अंदर से। ठीक है, ब्रैकेट निकल जाती है, तो मैं यहाँ तो इसको सॉल्व कर दो, पहले फर्स्ट ऑर्डर 2 3 का 6 प्लस 1 7/2 हो गया, 4 1 का 4, 4 प्लस 1 5/4 हो गया, माइनस इसको भी चेंज कर दो, 4 3 का 12 प्लस 1 3 13 13/4 इनटू 5 6 का 30 प्लस 1 31/6 इस तरह से होता है। पहले ब्रैकेट में का सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट में प्लस साइन है तो ब्रैकेट में प्लस साइन है तो हम नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़े, एलसीएम के तरीके से सॉल्व करना, ये मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर रही तो 2 4 8 होता है, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसको जाकर, 4 7 28 प्लस 2 5 10 इस तरह से होता है, माइनस अब इसको सॉल्व कर रहे हम कंटिन्यू, ये बाद में सॉल्व कर लो, पहले इसको ब्रैकेट को हटा लो उसके अंदर से, ब्रैकेट को हटाना है तो ये पूरा सॉल्व होने पर ब्रैकेट निकल जाती है इसके अंदर से, 28 प्लस 10 38 38/8 अब ब्रैकेट चले ये पूरा सॉल्व हो गया, अब कंटिन्यू लेना माइनस 13/4 इनटू 31/6 कंटिन्यू ले लेना। अब देखिए उसके बाद ब्रैकेट हटने के बाद हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, अभी ये ब्रैकेट हटने के बाद जो थोड़ा छोटा क्या होता है कैंसिल होता है, अगर कोई टेबल से कैंसिल होता है तो कैंसिल करके उसको छोटा कर लेना, इस तरह से 2 से जाता है 2 4 8 2 1 2 2 9 18 19/4 इधर बच रहा माइनस 13/4 इनटू 31/6 बच रहा। अभी देखिए यहां पर माइनस और इनटू साइन दो साइन आ गया इसके अंदर, तो दो साइन में क्या करना है यहां पर, मतलब माइनस करना है इनटू करना, बोलो इनटू करना सर, इनटू करना, क्योंकि हमारे पास बोल्टजमैन मेथड जो है मेथड के तहत हम आपको चलना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन लास्ट में आता है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसके हिसाब से हम, यानी उसके सिस्टमैटिक सीक्वेंस से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको दोनों का, अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम अब इसमें से दोनों में से कौन सा ऊपर का नीचे का कैंसिल होता है देखना, एक पेपर में कैंसिल करना, अगर नहीं होता कैंसिल तो मल्टीप्लाई करके रख देना, ये 19/4 एजीज हो जाता है माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करें हम 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, देखिए 4 3/24 हो जाता है,
मैंने 1156 अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल करना, नहीं हुआ तो ऐसे करना, ये कैंसिल हो तो क्योंकि यहां पर दोनों इवन नंबर नहीं है कैंसिल हो जाता है, तो हम छोटे से कैंसिल करके पहले 2 से या 4 से हुआ तो 4 से भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, 4 2 8 3 बचे, 4 8 32, 4 से जाता है। हां एक्सक्यूज मी सर, 1 कैरी 1 बच गया, 4 4 16 हो गए, 4 2 का 8। सर मोबाइल कहां रखेंगे? हां बोलो बताइए। 456 माइनस 102 है सर, वो 4 कौन सा बोल रहे हैं ऊपर का सर उसे? हां 456 माइनस 1612 है, 1612 है। हां कैलकुलेशन करके देखो आप फिर भी। हां सर नहीं 102 दिख रहा है यहां से। नहीं नहीं 1612 है, देखिए। हां ठीक है यस सर, ठीक है उसको माइनस करके देखो, माइनस करे तो 1156 आता है ना, माइनस में आता है ना सर, वो माइनस में आता वैल्यू, माइनस बाजू माइनस लगा लेना कंपलसरी, क्योंकि हम छोटे में से बड़े को निकाल रहे हैं, बड़े के साथ माइनस साइन है। ओके यस सर। हाँ अब आने के बाद इसको डिवाइड करें हम, डिवाइड करने के बाद क्या होता है देखिए, ने मैं इसको 4 से डिवाइड करा, 4 2 8 वन बचा, 4 4 16 इधर 4 2 8 3 बचा, 35 हो गया, 4 8 32 होता है ना, 4 8 32 3 बचा, 4 9 36 कितना होता है देखिए, 289/24 दिस इज आंसर। समझ में आया? देखिए इसमें शर्त क्या है, सिर्फ वो क्वेश्चन जैसा कल कर रहे हैं वैसे ही करें, इसमें सिर्फ क्या है बोलते, ब्रैकेट में जो भी साइन आता है, जो भी आता है ना, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेना। अब ब्रैकेट के अंदर और भी ब्रैकेट आती है, समझ रहे आप? मैं बोला ना ये बड़ी ब्रैकेट हो गई और एक 3 ब्रैकेट आते हैं, ये बड़ा फ्लावर ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट एंड छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट आते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ये ब्रैकेट सॉल्व करना, थर्ड ये ब्रैकेट सॉल्व करना। ठीक है? ठीक है सर। अभी तो मैं सिर्फ एक बड़ी ब्रैकेट पे क्वेश्चन डाला हूँ, अभी एक क्वेश्चन डालता हूँ मैं दोनों ब्रैकेट को कंबाइन करते हुए। देखिए आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक 2-3 मिनट टाइम दे तो मैं करके देखिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करा लेता हूँ। ठीक है सर, वो थोड़ा वापस से 1 मिनट सर। बोलिए, लिख रहे क्या? हाँ सर। सर वो 28 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 उसको सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक ब्रैकेट चले जाती है। हाँ चले जाती है, क्या होता मालूम है, 2 फ्रैक्शन होंगे, 3 फ्रैक्शन होंगे, वो पूरे सॉल्व होने के बाद एक फ्रैक्शन बनाना, ब्रैकेट निकल जाता है। ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, इंटू अगर इसके अंदर ये चले जाने के बाद ये इंटू बन गया, इन्हें इंटू माइनस बोले तो माइनस हो जाता है, होने के बाद ये एज इट इज रह जाता है। अगर इन केस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है वो। ठीक है? ठीक है सर। ओके लिखते क्या आप? हाँ सर लिखते। लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बस, आ जाता हो आपके फोन पे, स्क्रीनशॉट ले लो आपके पास, ऐड हो जाता हूं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डाल तो मैं करते क्या? जी सर। जी हाँ ये क्वेश्चन करके बताते हैं आपको।
ट्राई करो, नहीं आया तो बता दो। ओके करे फाइव बाई फोर जी करें क्या? यस सर। बच्चे म्यूट है, अपने खुद ही से म्यूट है क्या? ना फाइव बाई फोर जी करें, कंप्लीट करें। यस सर। जी सर, सेवन बाई फोर सारा सर। सेवन बाई फोर आंसर, लास्ट आंसर सेवन बाई फोर। सेवन बाई फोर जी सर। सर फाइव बाई फोर आ रहा। फाइव बाई फोर और आंसर, और कोई? एक मिनट सर, ये मेरा भी बता रहा है, मैं नहीं है ना। Thank you.
सर 352/64 कितना आया? 352/64 अच्छा 5/4 कोई बोले? यस सर। 7/4 भी बोले क्या? यस सर बोले। हाँ 7/4 मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यस सर। 3/4 ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेना, ये ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट को ओपन कर लेना पहले, ओपन करना मतलब उसको जब तक सॉल्व नहीं होता जब तक ओपन नहीं होगी। पहले हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 3 4 आवाज नहीं सुन रहा। ये दोनों में माइनस है, 2 4 8 एलसीएम आ गया एक, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4 7 28 माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 26 डिवाइडेड बाय 1/4 आई थिंक इज अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ओके नहीं है हम 1/2 अभी देखिए कि ब्रैकेट का मतलब हम यहां साइन नहीं है, देखिए एक ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, यहां साइन नहीं है तो मैं क्या बोला अभी मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट अगर हटा दिए तो समझ रहे हैं आपको? यस सर। तो इसकी जगह पे मल्टीप्लाई से रहा, अभी कितना होता है 2/8 हो गया, 28 माइनस 26 2/8 डिवाइडेड बाय 1/4 अभी एक ब्रैकेट चलेगा इसके अंदर से, ये सॉल्व होने के बाद ये छोटा ब्रैकेट जो है निकल गया, निकलने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट है ये सॉल्व होने पर ये ब्रैकेट निकल जाता है। देखिए ये टू चले गया, बचा कितना है हमारा 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 इज दिस, ये भी ब्रैकेट निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले आप यहां प्लस और डिवाइड दो से नहीं तो हम क्या करना, डिवाइड करना है प्लस करना डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे ये 3/4 इज दिस प्लस इसको डिवाइड कर रहे 1/8 तो इनटू दैट कर लिया तो ऊपर जाता वो 1 नीचे आता है, 4 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
आपकी गलती कहाँ हुई देख लीजिए। मुश्ताई हाँ सर गलती कहाँ हुई देख लीजिए। हाँ सर देख लिए। आंसर कौन दिया मुझे? यस सर जी ठीक है। दो आंसर आ गए ना, एक 5/4 एक 7/4 एक बोले आप। जी सर ओके 5/4 इज करेक्ट आंसर राइट। यस सर वेरी गुड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा चेक कर लीजिए। ये टॉपिक आपको समझ में आया? आप तमाम लोग रिस्पॉन्स कीजिए। टॉपिक अगर समझ में आया तो मैं कंटिन्यू दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दे दूं। हाँ सर आया। आ गया ना? बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर लो आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हो जाता है। ठीक है अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। यस सर रिस्पॉन्स कीजिए करो। यस सर यस सर ओके दूसरा स्टार्ट कर दो टॉपिक। ठीक है दूसरा टॉपिक है हमारा
एवरेज एवरेज। अच्छा ठीक है, मैं जनरल आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एवरेज किसको बोलते हैं आपको मालूम है क्या? सर बीच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बीच को सर, इक्वल को बोलते हैं। एवरेज में क्या बोलते हैं उसको? सर एवरेज बोलते हैं, इक्वल को बोलते हैं सर, मतलब बीच का एवरेज में क्या बोलते हैं सर? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बिकॉज ऑफ स्लो नेटवर्क। दूसरे बोलिए। दूसरे बोलिए। ठीक है, एवरेज इसको देखिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, थ्री बॉयज है, तीनों का हाइट दिया हुआ है, हाइट है तीनों का, एक का हाइट 5.6 है और एक लड़का है उसका ये ए, ये बी, इसका हाइट है 5.8 और एक बच्चा है उसका हाइट है 5.2। तीन बच्चे हैं, तीन लड़की हैं, जिसका हाइट 5.6, 5.8, 5.2 है। तो इसका एवरेज लेना है आपको, यानी एवरेज मींस इन पूरों का एवरेज लेना है। एवरेज किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले चीज आपको ये मालूम होना चाहिए। एवरेज बोले तो उनका पूरों को सबसे पहले क्या करना, प्लस करना, पूरों को प्लस करके जितने नंबर होते हैं ना उतने नंबर से डिवाइड करना उसको, दैट इज कॉल्ड एवरेज। कैसा? ये 5.6 है प्लस 5.8 है प्लस 5.2 है डिवाइडेड बाई 3, तीन लोग हैं ना, तीन बच्चे हैं, डिवाइडेड बाई 3। तब ये एवरेज इस तरह से निकालते हैं इसको। तो ये एवरेज सिर्फ मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, कौन से क्या सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो देखिए 5.6, 5.8 प्लस 5.2, पहले इनको प्लस करना पड़ेगा हमारे, फर्स्ट प्लस करेंगे तो पॉइंट के इधर के नंबर को अलग, पॉइंट के नीचे पॉइंट आई थी कर दी क्या, ये 2 प्लस 8 10 10 16 16 का 6 कैरी 1, ये पॉइंट आई थी 5 10 15 16 एवरेज निकालने के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है, जितने नंबर्स होते हैं उतने नंबर्स को सम करना, सम कर कर क्या करना, टोटल नंबर जो होते हैं उससे डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एवरेज। समझ रहे हैं आप? यस सर। एक एक एग्जांपल देता हूं मैं आप करो अभी फिलहाल। एक कंपनी है, एक कंपनी के ये मंथली इनकम है, कंपनी की मंथली यानी 3 मंथ की, 4 मंथ की इनकम है। एक कंपनी का इनकम 4 मंथ का 6145 है, कंपनी फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के मंथ में 7150 है। उसके बाद मार्च के मंथ में वही कंपनी का इनकम है 8240। उसी तरह से अप्रैल में वही कंपनी का इनकम है 10500। तो आपको ये कंपनी का 4 मंथ का एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होना चाहिए आप बोल सकते हैं? जी इसको सॉल्व करके बोलिए सर। 32,035 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करो, डिवाइड भी करना, टोटल डिवाइड कर कर एवरेज बोलना उसका। 24,163।
नया सर सर 8000 कितना 8000 8000 ओनली 8008 ओके दूसरे और दोनों का सिमिलर आंसर आया क्या सर 8008.75 45 आ रहा सर 8008.45 ओके ओके अगेन और कोई बोल सकते हैं सॉल्व करिए पहले इसको प्लस कर लेंगे 6145 प्लस 7150 प्लस 8240 माइनस प्लस 10000 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 0005504 4 4 5 9 9 4 13 3 carry 1 3 number 6 8 9 10 0 carry 1 1 9 10 16 16 16 22 cut 2 carry 2 calculation सही है क्या देखो 32,035 है? Yes, sir. 32,035 divided by 4. Divide करके इसको 4 8's are 32. अभी ये दोनों 0 3. अभी देखिए यहाँ पर इसको ये 0 as it is ये 35. 35 4 8's are 32 8 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
ऐसे ही कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने आप जैसा कि मैं 4 वगैरह बताए हूँ, कितने भी नंबर हो सकते हैं इसका एवरेज इजीली निकाल सकते हैं आप। और ये जो चैप्टर है एवरेज का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए हाँ जैसा फ्रैक्शन है वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। और आपको बेसिक के अलावा भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको एवरेज के यानी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है जी सर। ओके हाँ, तो उसके लिए मैं आपको एक और एक क्वेश्चन कराता हूँ। एवरेज के लिए इतना ही काफी है, सिर्फ एवरेज निकालने के लिए आपको के अंदर एक सिर्फ क्या बोले तो जितने भी नंबर होते हैं उतने नंबर्स को जितना उसकी वैल्यू देता है ना उसको प्लस करना और नंबर्स को क्या करना डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, सुनिए।
एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर 1 आवर खेलता है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझिए, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, एक ओवर खेलता है, खेलने के दरमियान में क्या होता है, फर्स्ट बॉल पर यानी बॉल वन फर्स्ट बॉल पर उन्हें क्या करता है, 4 रन बनाता है, चौका मारता है, 4 रन बनाता है, और दूसरे बॉल पर क्या करता है उसने 2 रन बनाता है, तीसरे बॉल पर क्या करता है 0 रन यानी रन नहीं लेता हूं मैं, 0 रन बनाता है, और चौथे बॉल पर क्या करता है उन्हें 1 रन बनाता है, पांचवे बॉल पर एक सिक्स लेता है, और सिक्स बॉल पर 2 रन लेता है, टोटल 1 ओवर खेलता है उन्हें, 1 ओवर खेलता है, 1 ओवर का उसका एवरेज लेना है हमारे को, एवरेज निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं उन्हें 2.5 जी 2.5 सर, हाँ ठीक है निकाल के बोलो मुझे 2.5 सर 2.5 है ना, 7, 13, 15, 15 by 6, 6 1 6, 6 2 12, 3, 6 5 13, 2.5 पर बॉल के हिसाब से, एक बॉल के हिसाब से कितने रन ले रहा बोल दो, 2.5 रन ले रहा हूं, ठीक है, इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, बस काफी है एवरेज के लिए क्वेश्चन, अब उसके क्वेश्चन में फ्रैक्शन और एवरेज के दोनों के मिला के आपको वर्क के लिए बताता हूं, आप होमवर्क में दोनों टाइप के क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कल और एक थोड़ा रिव्यू कर लेते हुए और टॉपिक कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है सर, खत्म हो गया सर, ये है अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्लियर नहीं दिख रहा क्या, मैं बोल के लिखाता हूँ आप लिख लीजिए, हाँ ओके सर, 3:1/4 divided by 1/4 into 1/3 bracket close plus 1/4 divided by 1/3 question number 2 5:1/4 divide 3:1/2 minus 1:1/4 plus 1/4 6:1/2 into 3:1/2 plus 1/3 एक छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर डिवाइड 1/2 ब्रैकेट क्लोज into 1 plus 1/4 3.5, 6.1, 7.2, 1.5, 6.6 इसका एवरेज लेना है आपको, सर फोर्थ क्वेश्चन और एक बार बोलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 का एवरेज लेना है 3.5, 6.1, 7.2, 1.5, 6.6 नेक्स्ट 342, 350, 390, 480, 410, 470, 460, 400, 500 ओके ये दोनों का एवरेज निकालना है आपको, ये दोनों एवरेज कीजिए और एक बार बोल दो नंबर 342, 350, 390, 480, 410, 470, 460, 500 ओके सर थर्ड क्वेश्चन एक बार बोलिए, थर्ड क्वेश्चन 6:1/2 इंटू
बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट और 3:1/2 प्लस 1/3 छोटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4। ओके ओके सर, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास कल के लिए मैं कल ये टॉपिक को कंटिन्यू लेते हुए मैं आपको नया टॉपिक ले लेता हूँ कल भी। और ओके ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है बोलिए। किसी को कोई डाउट है क्या सर? थर्ड क्वेश्चन में ब्रैकेट में का, हाँ थर्ड क्वेश्चन में बोल दो, सुनिए। 6:1/2 इंटू बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 3:1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4। ठीक है सर, ओके समझ में आया? हाँ सर, ओके ठीक।